नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जो बात मैं आज आपसे कहने जा रही हूँ वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्रियों के श्रृंगार से जुड़ी हुई। देखिए, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं और मन में एक शंका भी होती है कि हमें श्रृंगार करते समय क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ मैं कि जब इंसान का वक्त सही रहता है, देखिए आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो वेद शास्त्र को नहीं मानती, यानी कि आपके अगल बगल इधर उधर ज़रूर इस प्रकार की महिलाएं भी आपको मिल ही जाएंगी। वो नहीं मानती हैं, शास्त्र को श्रृंगार नहीं करती हैं, या सुहाग से जुड़ी हुई सामग्री जो होती है, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, बिछुआ हो गई, इस तरह की चीज़ें धारण नहीं करती हैं, फिर भी उनका जीवन जो है सुखमय है। तो आप हम या और लोग देखते हैं तो ये लगता है कि देखो, मैं तो इतनी सारे नियमों को पालन करती हूँ और ये जो सामने वाली है ये बिल्कुल कोई नियम पालन नहीं करती है और आज भी इसका जीवन सुखी है। तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि देखिए, जब तक आपका समय, आपका वक्त अच्छा चलता है, सारी चीज़ें अच्छी 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 होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वक्त बुरा आता है, आपके सारे कर्मों का हिसाब मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं आज यहाँ पे बात आपसे ये करने वाली हूँ कि जो श्रृंगार की सामग्री है या फिर कुछ ऐसे कार्य हैं जो श्रृंगार करते समय हम करते हैं, तो उससे पति की आयु पे, जीवन पे संकट आता है। और दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ कि श्रृंगार करना कितना महत्वपूर्ण है। ये बात अगर आप रामायण को ले लीजिए तो देखिए, माता सीता ने स्वयं अब ये कहा है कि मैं मांग में सिंदूर इसलिए भरती हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि तभी से हनुमान जी जो है वो अपने पूरे बदन में सिंदूर का लेप करने लगे। तो जब माता ने प्रभु श्री राम की आयु वृद्धि के लिए मांग में सिंदूर भरा, तो हम स्त्रियों को इस कलयुग में भी पति की आयु, उनकी सुरक्षा के लिए अपने मांग में सिंदूर धारण करना ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब आप चूड़ियाँ उतारते हैं, देखिए चूड़ियाँ आजकल जो है, पहले महिलाएं होती थी तो महीने 15 दिन में इस तरह से चूड़ियाँ बदलती थी, पहनती थी। तो जब आप चूड़ियाँ पहनती हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हाथों को पूरी तरह से खाली ना करें। चूड़ियों पे मेरी 2 वीडियो पहले से ही पड़ी हुई है और उसमें मैंने बहुत विस्तृत आपको बताया है कि किस दिन चूड़ियाँ लें, ना लें, किस प्रकार पहने, किस रंग की पहने, सारी जानकारी आपको दी है। तो देखिए, जब भी आप चूड़ी अपना बदल रही हैं, पहन रही हैं दूसरी नई चूड़ी, तो उस दिन ध्यान रखिए कि उस दिन मंगलवार ना हो, क्योंकि मंगलवार को कोई भी श्रृंगार की नई सामग्री धारण नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको करना चाहिए कि जब आप हाथ में चूड़ियाँ पहन रही हैं तो उस समय पूरे दोनों हाथों की चूड़ियों को एक साथ उतार करके और नई चूड़ियाँ बिल्कुल पहनना न शुरू करें। तो हाथों में आपकी एक एक चूड़ियाँ जो है होनी चाहिए। अब आप इस प्रकार भी नहीं कर सकते हैं, यानी हाथों में जो पुरानी चूड़ियाँ हैं, या फिर अगर आपके हाथों में रक्षा भी बंधा हुआ है तो कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप चूड़ियाँ बदल सकते हैं। और अगर आपके हाथों में एक भी चूड़ी नहीं है, आपको चूड़ी बदलना है, तो जो बालों का जो बैंड आता है, रबड़ बैंड, उसी को हाथ में लगा लीजिए, चूड़ियाँ पहन लीजिए, और चूड़ियाँ पहनने के बाद जो है रबड़ बैंड वो आप उतार करके निकाल करके हाथों से ले लीजिए। और दूसरा, रामायण में भी करा भूषण की जो विशेषता है वो बताई गई है कि करा भूषण जो है वह माँ लक्ष्मी का साक्षात जो रूप कहा गया है वो है, यानी कि स्त्रियों को जो है अपने सुहाग में हाथों में चूड़ियाँ भी जरूर पहननी चाहिए। तो अब ये चूड़ियाँ आपकी इच्छा पे निर्भर करती हैं कि आप 2, 1, 3, 5 कितनी पहनेंगी। देखिए, जो वर्किंग है उनके लिए तो समस्या है कि वो बहुत कम चूड़ियाँ पहनेंगी, पर हाँ, हाथों में कुछ ना कुछ डालना ज़रूर चाहिए। हाथों को, दोनों हाथों की कलाइयों को बिल्कुल भी सूना करके नहीं रखना चाहिए। चूड़ियाँ पहनते समय हाथों को खाली नहीं करने की बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि कभी कभी हम समय का ज्ञान हमें नहीं होता है उस समय, यानी कि जिस दिन हम चूड़ी बदल रहे हैं उस समय राहु काल है या फिर कौन सा समय है, इतना ध्यान कोई नहीं देता है, प्रायः चूड़ियाँ लोग बदल देते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए कि उस दिन मंगलवार को नई चूड़ियाँ ना पहने, उतारी हुई चूड़ियाँ मंगलवार को पहन सकती हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप हाथों को खाली ना करें। अब देखिए, कभी कभी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, ये गलतियाँ कभी कभार हो जाती हैं तो कोई समस्या नहीं, हाँ, इन गलतियों को बार बार नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे जो है वह पति के जीवन में और उनके सौभाग्य की तरक्की में जो रुकावट आती है और उनके जीवन पे संकट आता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना ही चाहिए।
दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि दक्षिण दिशा जो है वही यमराज की दिशा मानी गई है। और आप सभी जानते भी होंगे कि प्रायः कोई शुभ कार्य दक्षिण दिशा में करके मुख नहीं किया जाता है। आपकी पूजा हो गई, आपका पाठ हो गया, कुछ भी हुआ तो दक्षिण दिशा को निषिद्ध माना गया है। वैसे ही श्रृंगार करना हो गया तो श्रृंगार करने, चाहे सिंदूर लगा रहे हो, चूड़ियाँ पहन रहे हो, नए वस्त्र, नए पुराने कोई भी वस्त्र पहन रहे हो, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये कार्य भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में किया गया कार्य जो है वही यमलोक का द्वार खोलता है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं भी हों, जहाँ भी हों, आप दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान दें कि उधर करके आप ना सिंदूर लगाएं, ना चूड़ियाँ पहने और ना ही बालों में कंघी करें। इस बात का ध्यान आप जरूर करें। अब दोस्तों प्रायः एक गलतियां और स्त्रियां करती हैं कि जो घर की चौखट होती है जिसको दहलीज बोला जाता है, तो दहलीज पे बैठना, पैर रखना या फिर उस पे बैठ कर श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निषिद्ध मानी गई। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि दहलीज जो है वह हमारे पूर्वजों का स्थान माना जाता है, माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। और ये भी शास्त्र में बताया गया है कि दहलीज जो है हिरण्यकश्यप की चिता भी मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे कि वहीं पे श्री विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप की का जो वध किया था, तो इसलिए भी घर की दहलीज पे बैठ के श्रृंगार करना शुभ नहीं माना जाता। घर की दहलीज पे माँ लक्ष्मी और पूर्वजों की पूजा वगैरह कर सकते हैं आप, लेकिन श्रृंगार दहलीज पे बैठ के करना ये बिल्कुल गलत है। बैठ के या खड़े होकर भी आप श्रृंगार वहाँ पर न करें, आप आराम से बैठ करके घर में और कर सकते हैं श्रृंगार। दोस्तों सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का समय जो होता है वह संधि बेला होती है। आप सभी जानते हैं कि सूर्यास्त के समय न तो खाना चाहिए ना ही सोना चाहिए। एक काम कर सकते हैं आप, पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए सूर्यास्त का समय बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इस समय यानी कि सूर्यास्त के समय जो है वो आप श्रृंगार न करें, ना तो बिंदी लगाएँ, ना चूड़ी पहने, ना मेहंदी लगाएँ, ना बालों में कंघी करें। इस बात का ध्यान जो है आपको ज़रूर देना ही देना चाहिए। और देखिए गले को सूना करके भी हमें कभी नहीं रहना चाहिए। महिलाएं जो हैं सुहागिन अगर हैं तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और पुत्रवती हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके पति नहीं है दुर्भाग्यवश तो भी आपको गला खाली करके नहीं रखना चाहिए। एक धागा ही सही लेकिन धागा डाल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आप सुहागिन हैं या फिर पुत्रवती हैं तो अगर खाली गले से आप पानी पीती हैं तो ये काफ़ी दोष माना जाता है। पुत्र को दोष लगता है, पति को दोष लगता है, तो गला कभी भी सूना न रखें। प्रायः मैंने देखा है कि महिलाएं गर्मी के दिनों में उनके गला कट जाता है, जैसे सोने के चेन हो गई, मंगलसूत्र, तो गला कट जाता है गर्मी के दिनों में, तो वो गले को सूना रखती हैं। तो ऐसा बिल्कुल न करें। आप एक धागा ले लें, काला लाल जो भी हो, और उसे बांध करके गले में डाल लें। इससे आपको रैसेज भी नहीं होगा और आप जो है आराम से सूना गला नहीं कहा जाएगा आपका, आराम से आप पानी वगैरह भी पी सकती हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, गर्मियां भी आ रही हैं तो गले को बिल्कुल खाली सूना न छोड़ें। अब दोस्तों आपको और भी एक चीज़ ध्यान देना होगा कि प्रायः सिंदूर लगाते लगाते हमारे चेहरे पे सिंदूर कभी कभी ज़्यादा गिर जाता है, यानी कि हम चाहते जितना है उससे अधिक सिंदूर कभी कभी लग जाता है। तो कपड़े से या फिर हाथों से पोंछ करके महिलाएं उसको सही करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कभी भी हाथों से या फिर कपड़े से जो सिंदूर लग गया उसको पोंछ करके साफ न कीजिए। दोस्तों ऐसा जो है अपशगुन के समय किया जाता है, तो अपशगुन के समय किया जाने वाला कार्य जो है शुभ समय नहीं किया जाता है। तो देखिए भगवान ने बहुत कृपा है उनकी कि महिलाओं को उन्होंने सुख और सौभाग्य दिया है, सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप जो सिंदूर गिरता है उसका आप सम्मान करें, उसको आप कभी भी हाथों से या फिर वस्त्र से झाड़कर साफ न करें। वह स्वतः ही थोड़ी देर बाद आपने मुँह धोया या किसी भी तरह से वो साफ हो जाएगा, वो चीज़ ठीक है, लेकिन आपको स्वयं इसे साफ नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ है जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था कि आप क्या धारण किया हुआ जो चूड़ी है या फिर बिछुआ है या फिर आप जिस सिंदूर में से सिंदूर लगाती हैं, तो ये चीज़ें आप अन्य किसी को न दें, क्योंकि देखा जाता है कि प्रायः घर में बहुत जब कई महिलाएं होती हैं, ननद, भाभी, बुआ, इस तरह की जब एक साथ महिलाएं होती हैं तो एक दूसरे का श्रृंगार वो लोग शेयर करती हैं। तो दोस्तों देखिए श्रृंगार जो होता है वो शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, दान करना चाहे तो आप नई श्रृंगार सामग्री ला करके दान
स्नान करती है करें तो ये काफ़ी शुभ ही माना जाता है। इससे शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति भी दीर्घायु होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपनी लाई हुई सामग्री से किसी और को दान नहीं दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ बिछुएँ अगर किसी को दान देते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो है हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो प्रभावित होता है। या कई बार दोस्तों ऐसी हमारे शास्त्र में कथाएं हैं जो कि मिलती हैं कि कई महिलाएं जो कि महिलाएं ऐसी थी जो कि सौभाग्यवती होने का जिनको वरदान था उन्होंने अपने सौभाग्य का दान बहुत सारी ऐसी स्त्रियों को किया। तो इसीलिए तभी से ये परंपरा है कि आप अपनी धारण की हुई चूड़ियां बिछुआ सिंदूर इत्यादि किसी और के साथ शेयर न करें। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जब आप कोई सोने या चांदी के आभूषण लाते हैं, जैसे कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण आभूषण जो होता है वो आपके गले का मंगलसूत्र और आपका बिछुआ होता है, तो ये चीज़ें जब भी आप खरीद करके नया लाएं अपने पहनने के लिए तो एक बार माँ गौरा को माँ दुर्गा को समर्पित करके ही आप ये चीज़ें धारण करें। ऐसा करने से माना जाता है कि पति के ऊपर अगर कुछ थोड़ी बहुत संकट आया भी तो माँ जो है टाल देती हैं और जो चीज़ें आपने उनको समर्पित, ध्यान दीजिएगा, जो मंगलसूत्र या फिर जो बिछुआ आपने उनको समर्पित करके स्वयं धारण किया है उसकी रक्षा माँ दुर्गा माँ गौरी स्वयं करती हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप नई खरीद के लाती हैं वो माँ को एक बार ज़रूर समर्पित करके फिर ही पहने। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने पैरों में पायल या फिर बिछुआ जो भी धारण करते हैं तो उनका बार बार खोना ये चीज़ें भी उचित नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जो भी आप ज्वेलरी पहने उनको अच्छी तरह से टाइट कर लें या फिर देख लें कि अगर वो टूटने वाली टूट रही हैं, या फिर अक्सर पायल के साथ ये दिक्कत होती है कि पायल बार बार टूटता है तो उसको देख लें। जब वो ख़राब होने वाला होता है तो उसको या तो सोनार के यहाँ भिजवा करके ठीक करवा लें या फिर बदलवा लें, जैसी हो। बार बार इन चीज़ों का खोना भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और दोस्तों ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और एक बार फिर कहूँगी कि जो लोग जो है श्रृंगार नहीं करते हैं उनको कम से कम ये तीन श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पहले तो ये है कि मांग में सिंदूर आप ज़रूर लगाएँ, अब वो सिंदूर आप थोड़ा ज़्यादा जो भी आपकी पसंद हो वो लगाएँ। दूसरी चीज़ है कि पैरों में बिछुआ ज़रूर धारण करें। बिछुआ आप बहुत पतला सा ही धारण कर सकती है लेकिन धारण जरूर करें। हाथों में कम से कम एक चूड़ी जरूर पहने। ऐसा करने से आपके पति के भाग्य पे आए हुआ अगर कोई छोटा बहुत बड़ा संकट है तो वो माता रानी कृपा से टल जाता है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, देखिए भाग्य को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन हाँ कभी कभी होता ऐसा है कि हमारी पूजा पाठ और हमारे धार्मिक कर्म जो होते हैं वह हमारे ऊपर जो छोटी मोटी परेशानियाँ जो कि बड़ा रूप लेकर हमारे ऊपर आने वाली थी उसको हमारी पूजा प्रार्थना टाल देती है। और पति जो है वो अपने पत्नी जो है अपने पति का कवच जो है हमारे शास्त्रों में ही बताई जाती है। यानी पत्नी जो है अगर शुभ कर्म करती है तो उसका पूरा श्रेय जो है पूरा लाभ जो है उसको पति उसके पति को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए पत्नियों को भी ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अपनी सुहाग सामग्री की रक्षा जो है या फिर उनके नियम को अपने प्राणों की भांति सहेज कर रखें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।